राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। सदन में बहुमत साबित करने के बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार किया गया। नए मंत्री के रूप में सबसे पहले चंपाई सोरेन ने शपथ ली। इसके बाद रामेश्वर उराव, दीपिका पांडे सिंह, बैजनाथ राम और इरफान अंसारी मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही दीपक बरुआ, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इससे पहले सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन बोलने के लिए उठे, वैसे ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सीएम ने कहा कि मुझे सदन में फिर से देखकर विपक्ष को कैसा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। साथ ही कहा कि मैं सदन में विपक्ष के जितने भी विधायक दिख रहे हैं उनमें से आधे भी अगली बार दिख गए तो बड़ी बात होगी। सीएम ने चंपाई सोरेन को 5 महीने सरकार चलाने के लिए बधाई दी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।